चलो पहले सीढ़ी तो चढ़ो सेमीफाइनल की, बाद में देखते हैं कि कौन हारता है। कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं भाई जान, ये कप हमारा है, ये कप हमारा है इंडिया। चाचा, बिल्कुल चाचा, नहीं ये बात सुन ले आप, पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना है, अगर आ गया, अगर सेमीफाइनल में आ गया, पहली बार वहाँ तक आने का नहीं है आपको, इतनी दूर तक आप नहीं आएंगे, आप इतनी दूर तक नहीं आएंगे मेरी, जब ये गारंटी है, ये आज का एक और वन साइडेड मैच होगा, बारिश की वजह से आपको पॉइंट मिल गए। अज्यूम करते हैं अगर पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल में आ जाते हैं, एक और वन साइडेड मैच होगा। कैसा हो गया, कैसे हो जाएगा, इंडिया वन साइडेड जीत जाएगा। भैया आपकी टीम कमजोर है, हमारी टीम एकदम स्ट्रांग है, होम ग्राउंड है, पब्लिक का सपोर्ट है, कैसे आप जीत पाएंगे जरा ये बताइए। पहले तो आप कह रहे थे कि बिरयानी खा के हम लोग जीत नहीं पा रहे, दूसरी बात कह रहे थे कि हमें जो है ना गाना नहीं बजाया गया, फिर तो कह रहे थे आज बारिश की वजह से बहुत ज्यादती थी, बहुत ज्यादती थी। नहीं हमारा मिकी आर्थर जो बात करता है वो बात ठीक करता है। तो अभी पिछले हसन रजा भी कह रहे थे कि है ना बॉल में जो ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा हो सकता है, पागल है, हो सकता है नहीं है ना, तो फेयर गेम करो, फेयर गेम करो ना। देखो अगर आप लोग जीत गए तो मैं पता क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार आप लोग 70,000 थे, हम तो 11 थे इसलिए हम हार गए, अगर हम जीत गए तो हमें मजा आएगा। देखो यार सब मजा लेने के लिए आते हैं, इंडिया का क्राउड है, इंडिया का होम ग्राउंड है, विराट कोहली, रोहित शर्मा ये सब फॉर्म में है, इनको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन लग रहा है। सिराज और सिराज, मोहम्मद शमी, बुमराह, ये जो है ना पूरा वर्ल्ड कप के 10 टीम में भी ऐसा बॉलर कोई भी नहीं है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाता है नॉकआउट मैचेस में, इंडिया पिछले 4-5 साल से अच्छा नहीं कर रहा है, एग्री करते हो कि नहीं? पहले पास्ट का पास्ट है, लेकिन द वे इंडिया इज परफॉर्मिंग टुडे राइट, आज के डेट में बुमराह, सिराज और अपना शमी अल्टीमेट है, अगर वो आज ये बॉलिंग करते हैं ना अभी पाकिस्तान के बैटिंग के सामने दे वुड हैव कोलैप्स। बॉलिंग नर्वसनेस भी है, बैटिंग नर्वसनेस अभी भी है, ये मैच सही गया है, इसको मेंटेन कर लेंगे तो देर इज अ गुड फाइट, तो पहला में गुड फाइट चाहिए, जितना हारना अलग आ जाता है। आपने लास्ट जो इंडिया का दो मैच है ना, ऑस्ट्रेलिया का सॉरी श्रीलंका के सामने हुआ, अपना एशिया कप में हुआ, फाइट नहीं हुई थी। अभी जो हमारा अहमदाबाद में जो पहला मैच हुआ था उसमें भी फाइट नहीं मिला। ऑल वी वांट ए फाइट, तो आप आओ सेमीफाइनल खेलने के लिए, बट गिव ए फाइट, फाइट के बाद जैसे जीतना है अलग है, लेकिन इंडिया अभी के लिए वेल प्रिपेयर्ड है, देयर इज वेरी रेयर चांस वेयर पाकिस्तान इज गोइंग टू बीट इंडिया, वेरी वेरी रेयर चांस। एज ए इंडियन आप चाहते हो कि पाकिस्तान इंडिया का कोलकाता में सेमीफाइनल हो? नो 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 सर, न सर, देखिए इंडिया के साथ ने मैं अगर बेहतर आपको 50% की हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो नोबडी इन द वर्ल्ड कैन बीट अस, अगर हम 50% में अपनी क्रिकेट खेलेंगे तो कोई भी वर्ल्ड की ऐसी कोई टीम नहीं होगी जो हमें बीट कर पाए। आपने देखा इंडिया का केवल एक ही मैच फंसा था थ्रू द टूर्नामेंट, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट है, बट हमारे बॉलर्स माशाल्लाह इतना पोटेंशियल है उसमें, शमी, सिराज, देन बुमराह, ऑल हैज बीन सुपर्ब। आप देख ही रहे थे शमी के फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म थे, बट इट्स ओके। मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की टीम है उसमें प्रोफेशनलिज्म मतलब इट्स नॉट वेरी कंसिस्टेंट राइट, इट हैज टैलेंट बॉलर इन बॉलर्स एंड बैट्समैन, बट द कंसिस्टेंसी द बिगेस्ट मिस। मेरे सवाल का, मैं मेरा पंजाबी है ने मेरा कान चिट्टा ही है, मुझे एक बात बताएं कि अगर इंडिया के साथ कोलकाता में सेमीफाइनल आ जाता है तो नॉकआउट मैच तो हम इंडिया को हरा देंगे, मतलब ये एजेंशन है, एजेंशन है, हलवा नहीं है, बट जो फैक्ट है अगर हम फैक्ट को देखें इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब फैक्ट मेरी बात सुने, इस वर्ल्ड कप में आपकी टीम, मेरी बात सुने, इस वर्ल्ड कप में आपकी टीम कोई मैच नहीं आ रही, मेरी टीम 4 मैच हार गई, लेकिन नॉकआउट मैचेस में भजन आप हार जाते हैं। मैं आपको एक चीज आंसर करता हूं इस क्वेश्चन का, अगर आप लोग अगर आप लोग अगर मैच में ईडन गार्डन सेमीफाइनल मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का और पूरा अच्छा फाइट दे दोगे तो हम आपकी जीत मान लेंगे। अगर वी वांट टू सी द गुड क्रिकेट राइट, अगर गुड कंपटीशन होता है, अगर अच्छे से कंपटीशन हो जाता है तो वी विल सपोर्ट राइट, वी विल सपोर्ट एनी प्लेयर हु इज डूइंग गुड राइट, बट वो उस लेवल का मैच होना भी तो चाहिए उस लेवल। बाप तो न्यूजीलैंड की शर्ट पहन करो, ये क्या बॉलिंग कराई है फखर को यार, इतने प्यारे प्यारे छक्के खा लिए, क्या हुआ है? वो होता है यार, एक बार होता है यार, हर एक बॉलर को बैट डे होता है, लेकिन आप जो बात कहे ना कि हम नॉकआउट में हार जाएंगे वो तो होता नहीं है, पाकिस्तान को अपोजिट तो होता ही नहीं है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम टीम पिछले कुछ अरसे में नॉकआउट मैचेस में जाके पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलते हैं,
T20 वर्ल्ड कप आपके सामने हाजिर है, हम भी नॉकआउट मैच हार जाते हैं, हम भी वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हुए हैं, लेकिन अगर कोलकाता में नॉकआउट मैच में ही रहता है वहाँ भी तो लेके सर 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 हम भी एक्सेप्ट हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि नॉकआउट में हम हारे, लेकिन पाकिस्तान का बजट वो तो होता ही नहीं है, हम जीतने वाले जीतने वाले सर। आप पहली 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 बात ये बोलो, आप क्वालिफाई नहीं होंगे पाकिस्तान वाले, अबे और एक मैच है, अगर हम हो गए क्वालिफाई नहीं होते यार, आई नहीं होते अफगानिस्तान इतना, मैं मानता हूं पाकिस्तान का चांस बहुत टफ है, बहुत टफ है, इसलिए आप पहली क्वालिफाई हो गए इंडिया नाम उनकी, इसलिए इंडिया इसलिए क्वालिफाई हो, क्वालिटी है टीम के। अगर नॉकआउट में इंडिया पाकिस्तान आ जाते हैं तो भाई नॉकआउट में हम जीत रहे हैं, ये इंडिया का होम एडवांटेज है, इंडिया को होम एडवांटेज होगा, आप नहीं खेले 10 साल से, यहाँ इंडिया खेल रहा है 10 साल से, इंडिया को पक्का होम एडवांटेज, आपसे ज्यादा इंडिया को पता है कि क्या कंडीशन है, क्या होगा, क्या करना चाहिए नेक्स्ट बॉल और थ्री बॉल दूसरा बॉल। 2011 के वर्ल्ड कप में ना हम लोग मोहाली में सेमीफाइनल हारे हुए हैं, इंशाल्लाह वही रिपोर्ट होगा, इंशाल्लाह वही रिपोर्ट होगा, वही रिपोर्ट होगा। आप तो एशिया कप के फाइनल, एशिया कप में आप फेयर रेस्ट है, पता है आपको, हमारी यार बोलेंगे बस ऐसे ही है, वो भी इंडिया से हारने के बाद हुआ है, जो इंडिया ने फेटा दिया है आपको। सर आप मुझे बताएं, इंडिया ठीक है यार, इंडिया सर आप मुझे बताएं, अगर नॉकआउट में इंडिया पाकिस्तान आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं तो दुआ करूंगा कि पाकिस्तान फाइनल को आए और इंडिया के हाथ में हारे, क्योंकि वही होने वाला है, तब ज्यादा मजा आएगा, चली गई तो मजा नहीं आएगा, फाइनल में इंडिया पाकिस्तान आए और इंडिया जीते, उसी में ये कि हम इंडिया नंबर 1 पे फिनिश कर रहे हैं, हम लोग नंबर 4 पे फिनिश कर रहे हैं, तो इनका कोलकाता में सेमीफाइनल होने जा रहा है, वही भैया बोल रहा हूँ भाई, इंडिया से नंबर 1 पे फिनिश कर रहा, तो पाकिस्तान फोर्थ है, तो कुछ भी होने दो। मुझे एक बात सच, बिल्कुल सच बात, मैं अपनी मेरी टीम बुरा खेलती है ना, मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, इंडिया नॉकआउट मैचेस में नहीं क्लिक करता, ये तो बात मानो ना यार, नॉकआउट मैचेस में क्लिक नहीं करता, कहाँ प्रूफ कहाँ पे है, आप बोलिए प्रूफ कहाँ पे बोलिए। नॉकआउट मैचेस में लास्ट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देख लो, एक भी इंग्लैंड की विकेट नहीं गिराई थी और टारगेट पूरा कर गए थे, नॉकआउट सेमीफाइनल था। 2015 का वर्ल्ड कप देख लो, 2019 का वर्ल्ड कप देख लो, नॉकआउट मैच तो इंडिया हारता चला आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ, 2011 वर्ल्ड कप का भी देखिए इंडिया कैसे जीती, नहीं मैं बोल रहा हूँ इंडिया में वर्ल्ड कप चला तो इंडिया हारने वाली ही नहीं, इंडिया तो सबका एक कदम, होम एडवांटेज बहुत होने वाला, होम एडवांटेज, और जिस तरह शमी बुमराह सिराज बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो दुनिया का कोई भी बैट्समैन इधर पे आके स्ट्रगल होने वाला ही है। अगर नॉकआउट मैच में इंडिया के सामने आ जाता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया को हरा देगा, ये मुझे लगता है। नहीं लगता है, मुझे लगता नहीं है कभी इंडिया को हरा पाएगा बोल के, आप पहले सेमीफाइनल में जाइए उसके बाद बताइए। सेमीफाइनल में अगर हम पहुंच गए कैसे जा सकते हैं, अभी भी आप लोग का पॉइंट कम है उसमें, अभी 8 पॉइंट है, माइनस रन रेट पॉइंट माइनस है, हम प्लस पॉइंट में ऑलरेडी हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं।